मेरा तो मंजी की लोग क्या कहेंगे, एक प्रश्न है। अब आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं जहां ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। हेलो, अब प्रश्न ये है कि अगर नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे। न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यू ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूं सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है लेकिन, ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है लेकिन, कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। वाह। यूं ही नहीं है आए तुम जिंदगी में मेरी, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। मरहले उतार चढ़ाव। इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे, हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे। जीत लूंगा मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी इंसान होते जाएंगे। हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। पता क्यों? आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। सो मुझे जिस जहां से मुझे शुरू करना था अपनी बात को, कैस साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया कि उसी टॉपिक को उन्होंने छुआ, एंड दैट इज द अल्टीमेट मैसेज फ्रॉम दिस ग्रेट इवेंट। जिंदगी है, डेल कार्नेगी की एक और किताब है जिसमें वो लिखते हैं कि इफ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, असेस द अल्टीमेट लॉस फर्स्ट। आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं तो आप असेस करें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। हेलो, एंड कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज, उसके बाद आपको चिंता नहीं होगी। क्यों जी, है ना? तो दो तीन स्टेजेस हो सकती हैं। कुछ लोगों को बिना किए मिलेगा, पहली स्टेज है। कुछ लोगों को करके मिलेगा और कुछ को करके भी नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन जहां पे ये बात आती है कि करके भी नहीं मिलेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आपने ठीक से किया है और नहीं मिला, तो ये जो करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो आपको दे जाएगा, वो मिलने से भी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि जिंदगी में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। और आदमी रास्ते में बनता है, मंजिल में तो जाके अलसाता है केवल। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेहनत, अगर हम आप 18 घंटे काम करें, अपने आप को मैनेज करें, शेड्यूल्ड करें, स्क्यूज करें अपनी टोटल एनर्जी को, मे भी वो ना मिले, लेकिन अगर 18 घंटे की आदत हो गई तो हेलो, जिसको भी छू दोगे सोना हो जाएगा। जिंदगी लंबी है, बहुत सारे काम है। अगर 2 साल 18 घंटे 20 घंटे काम किया, आपने आपको अच्छा रखा, अंदर से बाहर के सबसे शुभ चिंतक, आपको इस बिजनेस से कोई उपलब्धि, आई डोंट बिलीव कि ऐसा होगा, अगर हो तो, अगर आपका ये वहम है, लेकिन आप बन गए, पक गए उस उन आदतों के साथ, फिर आप कुछ भी करिए। एग्री करते हैं? बी समथिंग, एक्शन। क्या साहब ने अभी क्या बोला? एक्शन। हम लोग चिंता करते हैं ढेर सी, 3 घंटे परिचर्चा, प्लानिंग करते हैं ढेर सी, लेकिन प्लान कितना दिखाते हैं? जहां से अल्टीमेट कुछ निकलना है, आपका बिजनेस है, एक वर्ल्ड है, एक तोता, वो पलेगा फूड। फूड क्या है? प्लान। 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स, टेप्स, बुक्स, मीटिंग, ब्ला 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 ब्ला, हर चीज वाइटल है, बट वर्ल्ड फूड इज व्हाट?
प्लान एक्सपोजर। अगर एक्सपोजर कम है, मेन कंटेंट कम है जिससे टोटल रिजल्ट आना है, बात नहीं बनेगी। हीटिंग आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है, टेप आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है, किताब आपको और दिशा में अच्छा कर सकती है, लेकिन आपका बिजनेस बड़े, इनकम आए, प्लान। एक आदमी ने मार्केट से एक तोता खरीदा, पिंजरा ले गया, घर पे लेके आया, तो दुकानदार ने उसको बोला होगा कि ये बोलेगा, तो वो बोला नहीं। अब दुकानदार जैसे होते हैं आपको पता है, तो उसको शिकायत करने गया अगले दिन कि ये तो बोला नहीं। बोले बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सीढ़ी ले जाओ, 5 रुपए की सीढ़ी है, इसको पिंजरे के अंदर ऐसे लगा देना, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा फिर बोलेगा। उसने लगाई, उसमें सीढ़ी, वो नहीं बोला। फिर गया अगले दिन, शिकायत की, बोला नहीं। बोला नहीं बोला, नो प्रॉब्लम। ये घंटी ले जाओ, टांग दो, ऊपर नीचे आएगा, घंटी हिलेगी, घंटी बोलेगी टन टन टन, तो उसकी टोन में शायद ये बोलेगा, ये बोलेगा। घंटी लगा दी उसमें, फिर गया शिकायत। बोला नहीं ऐसे नहीं, ये घुंघरू ले जाओ, उसके पांव में बांध दो, जो ऊपर नीचे होगा, हिलेगा, आवाज आएगी, ये बोलेगा। ही ब्रिंग लॉट मेनी थिंग्स डे आफ्टर डे। तो आठवें दिन सुबह जब उस पिंजरे के पास गया, तो तोता जो है वो बिल्कुल मरण आसन पे था। और उस दिन वो शिकायत करने गया उसको, दुकानदार को, कि तोता तो मर गया। बोला बोला नहीं। बोला मरने से पहले बोला था। बोला क्या बोला? बोला वो बोला तू इतने दिन इतने काम तूने किए, ये लाया वो लाया, ऐसा किया वैसा किया, थोड़ा सा खाना नहीं ला सकता था। World food is plan. Feed him. If you won't feed him, he won't survive. He can't bring anything. Action. Action supersede everything. आप action करेंगे तो action हर बीमारी का इलाज है, हर चिंता का इलाज है। काम में जुट जाए, मैंने पंजाब में ये सुना है कि बुखार चढ़ा, कोई बात नहीं, कहीं फड़ला, हलो फड़ला हल्दी मुन्नी, बुखार दी ऐसी तैसी। क्यों जी, 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो फैशन हो गया, पता नहीं कि लोग बुखार को कैसे हटाते हैं। समटाइम हार्ड वर्क करें सारी चिंताएं। डांस इज हार्ड वर्क, यू नो, 2 घंटे दिमाग ही ठिकाने नहीं आता किस दुनिया में है। आप एक्शन करेंगे, 3 चीजें होंगी, समटाइम यू लर्न, समटाइम यू अर्न। अगर दोनों चीजें नहीं हुई, यू विल पुल योर मसल, ग्रो योर बॉडी। हेलो, क्योंकि ये एक्शन है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और एक कहावत है कि पूर्व में बोएंगे तो पश्चिम में काटेंगे, आज बोया है तो कल मिलेगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। मेहनत जो है वो कभी कभी भी बेकार नहीं जाती, बेशर्त है कि मेहनत हो, जिगरा मर्दाना हो, उम्मीद और होप के साथ, इट विल कम बैक। ग्रुप बनते हैं, लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी वीकनेसेस हैं, यानी बहुत सारे चैलेंज हैं आपके, लोग भी हैं, मीटिंग भी हो रही, सब हो रहा, लेकिन उतने पैसे नहीं बन रहे। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ नहीं है। जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर ग्रुप को सुधारने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक्शन, ये ग्रुप है अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप बार बार इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हेलो, दिस इज नॉट द राइट वे। इनको सिखाओ, समझाओ, बट एक्शन, शो द प्लान, न्यू पीपल। एक नया व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं का हल है। हेलो, हाँ जी, मैंने 8 महीने एक जगह काम किया, समझाया, मैं ना मानू, एक व्यक्ति इधर जोड़ा, इनको भूल गए 6 महीने के लिए। आई एम बिल्डिंग हेयर, ग्रो वॉल्यूम हेयर, दे पीपल हैव टू वर्क इन फ्यूचर, आई नीड वॉल्यूम, मेरे को एक ग्रुप में वॉल्यूम चाहिए। यहां से आए, नत्था सिंह करे या गंगाराम करे, हेलो, यू नीड वॉल्यूम। अगर आप यहां वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो यहां जो मेन 6-7-8 लोग हैं, इनको सुधरना होगा। One new person can sponsor your 1000 weaknesses, 1000 problems. Action, exposure. कहीं से जब बहुत अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, रात भी कुछ लोगों ने बोला कि 1 महीने में इतना बिजनेस हमने किया है, इट्स गुड। पर यह जो बिजनेस है, ये बिजनेस इन्फ्लुएंस का बिजनेस है। अगर आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा के, यू नो, ये आप हर महीने नहीं कर पाएंगे, हेलो। इन्फ्लुएंस इज नॉट डुप्लीकेटेबल, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस मेरे पास है वो उन लोगों के पास नहीं है जिनको मैंने इन्फ्लुएंस किया। गॉट इट? हाँ जी। काम वो करना है जो डुप्लीकेटेबल हो सके, जिसको वो आदमी भी कर सके। अगर उनकी रफ्तार वो नहीं होगी, तो आपकी रफ्तार अपने आप कम हो जाएगी। इन्फ्लुएंस जो है वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। कोई पर्टिकुलर स्किल आपका है वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। कोई महारत आपकी है, कोई गुडविल आपकी है,
वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, उससे आप लोगों को लाएं वो आपको मदद कर सकती है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह लाने में फिर उनको क्या सिखाया जाए कि वो इसी काम को वो अपने आराम से आगे ले जा सके। किसी भी शहर में मीटिंग होती है, देखिए वीकली मीटिंग फ्लॉप, पहली बार 70 लोग, दूसरी बार 40 लोग, तीसरी बार 30 लोग, फिर 20, फिर 10, फिर डॉक्टर साहब पूछेंगे आऊं, वो कहेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये सारी एक कड़ी दर कड़ी सिस्टम है। फंडामेंटली सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, यदि आप नहीं कर रहे तो ये बिजनेस आवाम का, आम आदमी का बिजनेस नहीं बनेगा। वो चीज है अपने ग्रुप में प्लान श्योर, प्लान दिखाने वाले लोगों का निर्माण, स्पेशल टाइम निकालें उसके लिए। समटाइम कोई व्यक्ति डीप डाउन से आता है, कहता है कि मैं चंडीगढ़ पहुंचा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, आप मेरे को थोड़ा टाइम दें, चलो एक मीटिंग सेट हुई, हम मिले। तो मैं उससे अगर पूछता हूँ कि आप कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए, ये वो कहता है 2 महीने हो गए, अच्छा मैं कर लूँ, चलो क्या जो मेन बात है बात करने के बाद में, अच्छा ऐसा करते हैं मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, जो प्लान मैं दिखाता हूँ आई ड्रॉ 8 मिनट में, फिर मैं उससे पूछता हूँ आप मेरे को दिखाएंगे, आप कैसे दिखाते हैं? आपके ग्रुप में प्लान शोर्स बढ़ने चाहिए। आपके ग्रुप में कितने लोग प्लान दिखाते हैं, कोर स्टेप्स के ऊपर कितने लोगों का फॉलो है, कितने लोग टेप सुनते हैं, कितने लोग किताब पढ़ते हैं, कितने लोग प्लान शो करते हैं, कितने लोग मीटिंग्स में आते हैं, कितने लोग इसके सेंसिटिव पार्ट की गहराई तक समझने की कोशिश में है। ये चीजें आपको चेक करनी है। प्लान शो फंडामेंटली काम अगर स्ट्रांग होगा, फंडामेंटली काम है वर्ल्ड फूड शो द प्लान एक्सपोजर। और सपोज आपका जो ग्रुप है एक टाउन में है, उसमें 10 एक्टिव लोग हैं, वीकली मीटिंग यहां से सपोज 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या इसी टाउन में कहीं भी हो रही है, इस मीटिंग में वीकली मीटिंग में 100 लोग हों, ये कैसे पॉसिबल होगा कि ये जो 10 एक्टिव लोग हैं ये 10 ही लोग क्या हों, प्लान दिखाने वाले हों। और शाम को 7 से 9 बजे कहां मिलेंगे, किसी ना किसी के ड्रॉइंग रूम में। अब टॉपिक जिसपे मैं मेन आना चाह रहा हूं वो है होम मीटिंग, इसका आधार इस बिजनेस का, क्योंकि होम मीटिंग जो है वो डुप्लीकेटेबल है। एग्जाम्पल से आप ऐसे समझे कि एक व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, आप एक्साइटेड हैं, आपकी एक्साइटमेंट को उसने ज्वाइन किया, और आप उसको बोलते हैं कि कल वहां मीटिंग है, आप लेके आना 10 लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि नया आदमी में इतनी कुव्वत है कि वो 10 लोगों को ले आए? हाँ जी, वो खुद आ जाए तो शुक्र है। अब आपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपने उसको कामयाब करना है, उसके नीचे लोगों को ढूंढना है। होम मीटिंग का जो आधार क्या है कि यदि उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा समय दें, उसकी लिस्ट बनवाएं, कैटेगराइज करें उनको, उनके बिहाफ पे कॉलिंग कर दें अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो, ठीक है, उन्हें ये बोलें कि परसों शाम को 6 बजे मैं आपके घर आ रहा हूं, आप अपने इन इन दोस्तों को, इन इन रिश्तेदारों को, 5-7 पड़ोसियों को बुला लेना, हम मिलके उनसे बात करेंगे। होम मीटिंग, उस मीटिंग में 15 लोग हो सकते हैं, 15 नए लोगों ने प्लान देखा जी, क्योंकि उन 15 लोगों को वो कब लेके आएगा मीटिंग में, यू डोंट नो, इस बीच तो वो खुद ही गुम हो जाएगा। और आप अगर उसके यहां मीटिंग करेंगे तो सर्टनली 15 नए लोग प्लान देखेंगे। थोड़ा सा आज का जो माहौल है उसमें मे बी आपका एक दोस्त है, वो आपको मिला, उसने साइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन जैसे वो घर किट लेके जाता है, प्रोडक्ट लेके जाता है, तो घर में नेगेटिविटी है, उसके स्पाउस, उसकी वाइफ कॉपरेट नहीं करती। वाइफ का वैसे ही मानना हो, आप कुछ भी करके जाएं तो वो एक ही बात बोलेगी, जी आप बहुत बोले हो, आप तो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो, आप भी ऐसे बोलते हैं अगर वो कुछ करे तो, वाइस वर्सा है, अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग। तो यदि आप उनके यहां एक मीटिंग रख दें, अगर आपको सूचना मिल जाए कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी उसके यहां है, तो आप एज ए कपल उनके यहां जाए, क्योंकि आपने पहले से प्रोडक्ट यूज किया है, आपको ज्यादा नॉलेज है, और लेडी लेडी को समझा सकती है। अगर ऐसा ना भी हो तब भी आपके जाने से थर्ड पार्टी है, आप उनके घर में, उनके घर में एक पॉजिटिव माहौल बनेगा आपके जाने से, और वो लोग 10-15 लोग जो वहां बैठेंगे, अदरवाइज उस व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को बुला के आप 15 लोगों तक पहुंचेंगे, शायद 15 साल लग जाए इस बात को। तो 10 लोग अगर एक्टिव है एक टाउन के अंदर, और हर शाम वो लोग, आपने इस महीने बिजनेस भेजा 50,000 का, कितनी एप्लीकेशन, 40 एक्टिव लोग आप कितने हैं, 10 लोगों ने 40 एप्लीकेशन भेजी, मेक श्योर कि अगले 15 दिन में इन 40 घरों में एक एक मीटिंग हो जाए। हाँ जी, ये करना है।
अगर इन 40 घरों में मीटिंग हो जाएगी तो एक मीटिंग में एवरेज 10 आदमी बैठेंगे तो 400 नए लोगों ने प्लान देखा, वर्ल्ड फूड, जहां से एवरेज तेल तिलों से निकलना है, और यहीं पे आपकी बड़ी मीटिंग फेल होती है। वीकली मीटिंग तब कामयाब होगी अगर इन 10 लोगों ने पिछले 7 दिन में हर घर में मीटिंग की हो, 200 लोगों को प्लान दिखाया हो और प्लान के लास्ट में ये बोला हो कि देखिए जी मेरे को तो इतना ही पता था। ज्यादा जानकारी के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल में हमारे सीनियर अपलाइन जो इस बिजनेस को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, वो आ रहे हैं चंडीगढ़ से। बाकी प्रश्न आंसर वहीं होगा, आप वहां आइए। हाँ जी, कुछ ना कुछ लोग आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज वर्क नेवर फेल। क्यों जी? यस। होम मीटिंग जो है वो डुप्लीकेटेबल है। एक नया आदमी कब ट्रेनिंग लेगा, कितनी देर में ट्रेनिंग होगा, यू डोंट नो, यू कांट हेल्प इट। और उस मीटिंग को अगर आप सिंपल सिटी के साथ कंडक्ट करते हैं, सिंपल सिटी के साथ कंडक्ट करते हैं, कोई अपना उसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट शो नहीं करते, कोई अपना चेक वेक नहीं दिखाते, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करते। सिंपल सिटी क्या है कि आप जाएं, थोड़ी सी बात करें कि इस तरह का प्रोडक्ट है, ये कपड़ा मैंने पहना हुआ है, ये चाय पत्ती है, ये ऑयल है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे खरीदते थे अब ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खरीदने से ये होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन इस सीडी में है, आप सीडी देखें, सिंपल। हाँ जी, अब उस व्यक्ति ने जिसके यहां मीटिंग हो रही है उसने क्या सीखा कि ज्वाइन किया, कुछ लोगों को बुलाया, मेरी अपलाइन आए, उन्होंने इतनी बात की, सीडी दिखाई, 4 लोग ज्वाइन कर गए। ये चीज वो कल 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 ही किसी के घर में कर सकते। फास्ट ग्रोथ आपका बिजनेस। हमें आदत है बहुत सारा काम खुद करने की, क्योंकि हमें अपने काम के ऊपर बहुत गुमान है कि मैं तो हूं। ऑफकोर्स आप तो पर बी लिटिल बिट स्मार्ट। लोगों को चार्ज दें, एक आदमी को बोर्ड के ऊपर खड़ा करके प्लान दिखाने वाला बनाए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है कि मैं खड़ा होके बोलूं लोग सुने। हेलो, एक प्लान दिखाने वाला आदमी इस बात से एक्साइटेड होता है कि वो प्लान दिखाता है, लोग सुनते हैं, इसी एक्साइटमेंट में वो 6 महीने बिजनेस नहीं छोड़ता, कितना भी दर्द हो रहा हो। स्पेशल सेशन लें इस चीज के लिए, मेक सम स्पेशल अरेंजमेंट, मेक सम स्पेशल मीटिंग्स फॉर दिस। कोई भी टारगेट आपकी अपलाइन देती है, ये ख्याली चीजें नहीं है, फंडामेंटली। अभी लुधियाना में एक सेमिनार हो रहा है, आप टारगेट ले सकते हैं 200 लोगों का, लेकिन वो अचीव कैसे होगा? होम मीटिंग टू वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग टू मंथली मीटिंग, मंथली मीटिंग टू बिग इवेंट। एकाएक आपके कहने से इतने सारे लोग आ जाए, जब तक लोगों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होगा कोई आदमी मूव नहीं करता। गॉट इट? आपको 200 लोगों को वहां ले जाना है तो 4 लोगों को एक 15 का लेवल अचीव कराइए ना, उनको होप होगी कि हमें ट्रॉफी मिलेगी तो मैं अपने लोगों के सामने लूं, दे विल ब्रिंग पीपल। और उनको ट्रॉफी कैसे मिलेगी? अगर होम मीटिंग होगी, लोग ज्वाइन करेंगे। गॉट इट? ए बी सी डी, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, बिग इवेंट, स्मार्ट वर्क। जितना ज्यादा हमारे पास समय है उतना ज्यादा समय हम बेकार करते हैं, चिंता में लगाते हैं। जिन लोगों का मिजाज अच्छा नहीं रहता, एटीट्यूड अच्छा नहीं रहता, गुस्सीले झगड़ेले आदमी कौन होते हैं? द पीपल हु हैव लॉट मेनी टाइम टू थिंक। बोर्डम इज द कॉज ऑफ बैड एटीट्यूड। घंटों सोचते हैं और शो करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। वेली रन प्रण है जोगी। जयपुर में मेरे से किसी ने पूछा कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं फुल टाइम इसको करना चाहता हूं। मैं कहा ज्वाइन ए जॉब, इमीडिएट पहली एडवाइस है। 8 घंटे कहीं और दिमाग के लगाओ, ये तो काम तो 4 घंटे में हो जाएगा अगर ठीक से इसको प्लान करेंगे तो। बहुत सारे लोग हैं स्मार्ट, और कामयाब लोग जिनके पास कम समय है वही ज्यादा काम करते हैं। सब जिम्मेवार कामयाब लोग ही नई जिम्मेवारियां लेते हैं। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, वर्ल्ड में उसका एक ही प्रेसिडेंट होता है। उस पोस्ट के लिए जिम्मेवारी किसको मिली? मुकेश अंबानी को। हाँ जी, उसके पास टाइम है? अनिल अंबानी के पास टाइम है 20 किलोमीटर सुबह भागने का? मेरे और आपके पास नहीं है।
अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पिछले हफ्ते एक कमीशन बनाया है जिसको इन्वेस्टमेंट कमीशन का नाम दिया शायद। उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? उसका प्रेसिडेंट बनाया गया रतन टाटा को। टाइम है उसके पास फॉर ए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला 1 लाख रुपया कमाना मुश्किल है, पहली थोड़ी सी कामयाबी लेना मुश्किल है, उसके बाद तो पर्सनैलिटी एक्सपेंड होती है अपने आप। इसलिए वो पहला 1 लाख पहली कुछ कामयाबी के लिए ही दर्द होता है, क्योंकि अंदर जो है वो सारा फेलियर है, शरीर मन सब फेलियर है। सक्सेसफुल हैबिट्स में ढलने में दर्द होता है, समय लगता है, बहुत सारा समय। जितना ज्यादा समय उतना समय बेकार। प्लान शोर्स कितने हैं, कितने लोग सिस्टम पे हैं, शाम के 2 घंटे हम किस तरह से बिताते हैं, उसके ऊपर बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है। होम मीटिंग ए थंब रूल समटाइम, क्योंकि ये कोर स्टेप्स जो हैं इसमें टोटल रहने का, कब कौन सी आप टेप सुने उसमें से क्या मिल जाए आपको, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। और हम करते करते कब किन अच्छे कामों को करना छोड़ दें हमें पता नहीं चलता। पिछले 4 महीने की अपनी वर्किंग को मैं रीचेक कर रहा हूं कि मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, और मेरे समझ नहीं आ रहा। कम बैक B2B, बेसिक टू बेसिक, जब भूल जाए फिर वहीं से शुरू करें, ABCD से। शो द प्लान, फॉलो अप, 6 बेसिक कोर। होम मीटिंग जो है वो डुप्लीकेटेबल है, कोई भी आदमी कर सकता है। अपने ग्रुप में एक्टिव लोगों की लिस्ट बनाएं, उनको प्लान शोर बनाएं, कोर हों वो, और उनकी हर शाम किसी उस व्यक्ति के घर में जिसने हाल ही में ज्वाइन किया है, किसी नए ज्वाइन किए हुए व्यक्ति के घर में 15 दिन में अगर आप 3 मीटिंग कर देते हैं तो आप उसको अल्टीमेट इंफॉर्मेशन, अल्टीमेट ग्रुप दिला सकते हो। ओवर, वर्क इज ओवर। मे भी वो आदमी इतना एक्साइटेड ना हो, इतना फोकस ना हो, तो उन लोगों में कोई मिल जाएगा जिसके साथ आप काम कर सको। आपको वो व्यक्ति चाहिए जो आपके मुताबिक सुविधाजनक हो। हाँ जी, जिसको आपने ज्वाइन कराया वो नहीं है, उसके आगे हो सकता, उसके आगे हो सकता, उसके आगे हो सकता है। कीप मूविंग। लॉ ऑफ एवरेज, आपने 1000 लोगों को प्लान दिखाना है 2 साल में, आपका बिजनेस जो है वो 40 लाख का हो सकता है। ऐसा कोई अंक आप मान के चलने, आप कामयाब हो सकते हैं मतलब इस बिजनेस में। अब इतने सारे लोग आपकी लिस्ट में नहीं है, कहां से मिलेंगे? अगर आपने 20 लोगों को ज्वाइन करा दिया है तो इस समय आपके पास 2000 लोगों की लिस्ट है। अब उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। होम मीटिंग के लिए कुछ आपकी तैयारी, कुछ आपके कुछ एहतियात हैं जिसको आप बरतें, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। इनिशियल फंडामेंटल सक्सेस के बाद, और इनिशियल जो सक्सेस है, फंडामेंटल सक्सेस क्या है कि यदि आपने RCM की ड्रेस डालना शुरू कर दिया है, अपने अंदर वार को थोड़ा सा शार्प शाइन करना शुरू कर दिया है, बोर्ड पे आप प्लान दिखा लेते हैं, फोकस रहते हैं, आपके चेहरे के ऊपर कामयाबी के भाव, मेहनत के भाव आने शुरू हो गए, तो क्या है, आप कामयाब हैं। बाकी सब चीजें तो अलंकार है, उन्हें तो फॉलो करना है। आपकी गुडविल यहां से शुरू होती है और लोग आपकी गुडविल को फॉलो करते हैं। पहले इस चीज को अचीव करना है। जिन लोगों को आप इस बिजनेस में कामयाब मानते हैं, क्या उन आपका हुलिया हालात बाहर से उन जैसे हैं? चेक करें उनकी बातचीत, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उनकी भाषा जो है उसके साथ मेल खाती है। उस तरह से आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? उस तरह से फोकस्ड है, उस तरह से एक्साइटेड है? ये पहली कामयाबी है। और इसको करने के लिए कोई 9 महीने के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है, इट मे टेक 1 मंथ ओनली। उसके बाद आपकी फिजिकल प्रेजेंस ही काफी है। जहां आप हैं वहां बिजनेस है। शायद भागवत में एक दृष्टांत आता है कि भगवान कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो छुपा छुपाई का खेल, तो बाल ग्वाल छुप गए, तो पहले कृष्ण की वारी थी उनको ढूंढने की, उन्होंने उनको ढूंढ लिया। अब कृष्ण ने छुपना था और बाल गोपाल जितने थे उन सबको ढूंढना था। अब जब वो छुपे तो सुबह से दोपहर हो गई, मिले नहीं रह गई,
तो उनके प्रिय सखा सदामों को एक आइडिया आया कि तुम इधर घास फूस झाड़ी जंगल में मत ढूंढो, जहां कृष्ण होते हैं वहां बहार होती है। अब चेक करो कहां पानी है, कहां हरियाली है, कहां पक्षी चहचहा रहे हैं, कहां लताएं नाच रही हैं। जहां वो सब है कृष्ण वहां होंगे, उधर जाके ढूंढो। हेलो, वेयर यू आर देयर इज द बिजनेस। आपकी प्रेजेंस कोई आदमी कैसे जरूरत कर सकता है कि आपसे पूछे कि आपको कितने पैसे आते हैं? आपके चेहरे पे आनंद की ऐसी लहर रहे, पूछने वाला वैसे ही डर जाए, कहीं इतनी ज्यादा ना बता दे कि मेरे को हार्ट अटैक हो जाए। गॉट इट? यहां आपकी गुडविल स्टार्ट होती है और लोग आपकी गुडविल को फॉलो करते हैं। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का नहीं पता, ये सुविधा है। अगर आप खुश हैं और बैंक में कुछ नहीं है, दूसरे को पता है, तब भी वो इस बात को नेगेटिव नहीं लेगा। महारानी एलिजाबेथ को कार खरीदनी थी एक बार, तो वो मर्सिडीज के शोरूम में गई इंग्लैंड में। तो जब महारानी किसी शोरूम में आए तो आपको पता कि कैसा होना चाहिए, तो पहले से इन्फॉर्मेशन, पहले से सब अलर्ट, रोड साफ, शोरूम को ठीक से सजाया गया, ठीक है, जिस तरह की उनकी पसंद थी उस तरह की गाड़ी निकाल के फर्स्ट क्लास रखी हुई। तो महारानी आई तो उन्होंने जो उनका चॉइस थी, जो भी था, वो गाड़ी फर्स्ट क्लास तैयार होकर खड़ी थी, मर्सिडीज। तो ट्रायल के लिए जैसे ही व्यक्ति को अंदर बिठाया गया, महारानी खड़ी है। तो जैसे ही कार का सेल्फ लगाया गया तो वो स्टार्ट हुई, थोड़ा सा चली और रुक गई। उसके बाद उसको बड़ी कोशिश की गई, वो स्टार्ट नहीं हुई। तो सब भौचक के, सबकी गुडविल दांव पे लगी हुई है। क्या हुआ? सब डरे हुए हैं कि अब कैसे, क्या होगा अब। एनीवे, तो उसको चेक किया गया, तो जब बोनट खोला गया तो देखा कि उस गाड़ी में गलती से वो इंजन रखना ही भूल गए थे। हेलो, तो जो सुपरवाइजर था, जो मेन जिम्मेवार व्यक्ति था उस शोरूम में, उसने महारानी को सॉरी फील किया कि मैम ऐसा रहा कि गलती से हमारे लोग इसमें इंजन रखना भूल गए। तो महारानी ने कहा कि फिर ये वहां से इतनी जो चली है ये कैसे चल गई? कंपनी के ओनर भी वहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैम आपके आशीर्वाद से इतनी तो अब ये हमारी गुडविल से चल जाती है। गुडविल पेस। आप प्रयास करते हैं, लोग नहीं मानते, लोगों को वहम है कि ये चलता नहीं, आप भी छोड़ दोगे। आप अगर प्रयास करते हैं, आपका विश्वास, आपका बिलीफ जो है वो लोगों का विश्वास बढ़ाएगा कि यदि ये लगा हुआ है, यदि ये 7 से 9 टीवी नहीं देखता, यदि ये 7 से 9 चौराहे में नहीं मिलता, यदि 7 से 9 में उस क्रियाकलाप और कार्यक्रम में नहीं होता जहां ये 20 साल से था, इट मीन कुछ ना कुछ है। हेलो, ये मैसेज लोगों तक जाने में 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। आपकी गुडविल आप तक लौट के आएगी, बेशर्ता कि जब वो लौट के आए तो आप अपना ट्रैक ना चेंज कर चुके हों। गॉट इट? विद गॉड्स ब्लेस, बस सब ने मेरे पे एहसान किया जो मेरे को ये बिजनेस दिया। बहुत एक्टिव सपोर्ट मेरे को मिली मुकेश जी की, बागचंद जी छावड़ा, कैलाश जी, तिलोक जी का मार्गदर्शन।